सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापूजी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। तो पक्षीराज गरुड़ को भी भ्रम हो गया, ईश्वर के करीब रहने वाले को भी कभी कभी भ्रम हो जाता है। अक्सर मंदिर में रहने वालों को भी भगवान पर इतना भाव नहीं होता। हमारे हरिद्वार में ही कई ऐसे हैं जिनको गंगा पर श्रद्धा नहीं, हरिद्वार में ही जन्मे हैं, हरिद्वार में ही रहते हैं, लेकिन दुनिया भर के लोग यहां आकर गंगा स्नान करते हैं, गंगा जल पान करते हैं, भोलेनाथ पर अभिषेक करते हैं, लेकिन उनको श्रद्धा नहीं। दीपक तले अंधेरे वाली बात। तो पक्षीनाथ गरुड़ को भी भ्रम हो गया, भगवान शंकर के पास गए तो भगवान शंकर ने कहा कि यहां से उत्तर दिशा में एक नीलगिरी पर्वत है, वहां एक पक्षी रहता है कौवे के रूप में, कागभुसुंडी दी, आप वहां जाएं। उनका आश्रम ही ऐसा है जहां माया का कोई प्रवेश नहीं, जहां काल भी बाधित है। पांच वृक्षों के नीचे जो महापुरुष निरंतर साधना में रहता है और हर रोज भगवान की कथा का गान करता है, आप वहां जाइए। पक्षीराज गरुड़ वहां आए हैं, देखा कि वृद्ध वृद्ध विहंग वहां बैठे हुए हैं और कागभुसुंडी जी कौवे के रूप में, और बहुत सारे पक्षी वहां कथा सुनने के लिए आए। ठाकुर की कृपा देखिए, हाँ, पक्षियों में अधम कौवा वो व्यासपीठ पर बैठा है, हाँ, और बहुत सारे पक्षी वहां सुनने आए। कौवे की वाणी बड़ी कर्कश है, बड़ा कर्कश बोलता है, लेकिन मैंने कल कहा ना, बही कृपा रघुनाथ की तो बन गए तुलसीदास। ठाकुर की कृपा होती है तो क्या नहीं होता है साहब, हाँ, हर चीज संभव है। कागभुसुंडी जी बस व्यासपीठ पर विराजमान हुए हैं और स्तुति मंगलाचरण करके अब कथा बोलने ही जा रहे थे, उसी समय पक्षीराज गरुड़देव जी वहां पहुंचे हैं। अपने मन की संशय उन्होंने रखी है और पूरी राम कथा, मैं संक्षेप में बता रहा हूं, पूरी राम कथा बाबा जी ने, कागभुसुंडी जी ने उनको सुनाई। और बाद में पक्षीराज गरुड़देव ने ही प्रश्न किया कि महाराज एक एक प्रश्न और अंतिम रह गया है, आपका ये शरीर कौवे का क्यों, आपको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त हुआ है, आप जब चाहें अपना ये शरीर छोड़ सकते हैं, फिर भी आप कौवे के रूप में क्यों रहते हैं अधम शरीर में आप। तब कागभुसुंडी जी ने मुस्कुरा कर कहा था, हे गरुड़देव आपने सही कहा, मैं जब चाहूं मैं मर सकता हूं, ये शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण कर सकता हूं, मुझे आशीर्वाद, लेकिन मैं ये शरीर छोड़ना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि तन विनु वेद भजन नहीं बरना, और दूसरी बात ये शरीर मुझे मेरे गुरु ने दिया, भले ही नाराज होकर क्रोध में दिया। वो कथा बड़ी विलग है, अलग कथा है वो। और उन्होंने अपने पूर्व जन्म की सारी कथाएं, सारा वृत्तांत विस्तार से सुनाया। एक बार शुरुआत में जब सृष्टि का आरंभ हुआ है तब कलयुग आया और उस समय मेरा जन्म अयोध्या में हुआ। मैं अधम कुल में जन्म लिया। कलयुग में वैसे भी लोग बड़े आलसी होते हैं, बड़े मंद बुद्धि वाले होते हैं, मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या युपद्रुता, चारों तरफ लोग अधर्म में लीन रहने वाले, नर नारी सब अधर्मरत होते हैं कलयुग में। चार पग है ना धर्म के, सत्य तप दया और शौच, तो तीन पग कट गए होते हैं, एक ही पग पर ये धर्म खड़ा होता है।
तो ऐसे कलिकाल जो भयंकर काल माना जाता है, कलिकाल कलयुग, उसमें मेरा जन्म हुआ। हाँ, एक अच्छाई मुझ में थी कि मैं उस योनि में उस समय भी भगवान शंकर को बहुत प्रेम करता था, मैं भगवान शंकर को बहुत आदर करता था। और बाबा तुलसी वहां पर प्रसंग में लिखते हैं, शिव सेवक मन क्रम अरुबानी, 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 आन दे निंदक अभिमानी, आन देव निंदक अभिमानी, आन देव निंदक अभिमानी, आन देव निंदक अभिमानी, धन मद मत परम चला, उग्र बुद्धि उर्दंभ विशाला, उग्र बुद्धि उर्दंभ विशाला, उग्र बुद्धि उर्दंभ विशाला, उग्र बुद्धि उर्दंभ विशाला, शिव से क्रम अरुबानी, शिव सेवक मन क्रम अरुबानी। कागभुसुंडी जी ने अपना पूर्व चरित्र बताते हुए कहा कि हे पक्षीराज, हे गरुड़देव, एक अच्छाई थी मुझ में कि मैं भोलेनाथ को मन वचन कर्म से बड़ी सेवा करता था, बड़ी पूजा करता था, लेकिन बस एक ही अच्छाई थी, बाकी तो सारी दुनिया में दुनिया भर के जितने भी दुर्गुण हैं सब मेरे अंदर, मैं बहुत अभिमानी था, बहुत अभिमानी, और इस अभिमान के कारण मैं दूसरे देवताओं की निंदा करता था। और मैं प्रार्थना करूं मेरे भाई बहन सबको, मेरी प्रार्थना है जो जहां से भी सुनने वाले, अपने इष्ट देव के प्रति प्रेम हो, बहुत अच्छी बात है, खूब प्रेम करना, लेकिन किसी दूसरे के इष्ट देव की बुराई मत करना प्यारे। तुम्हारी की गई सारी भक्ति व्यर्थ चली जाती है, किसी की श्रद्धा पर चोट करना ये घोर पाप है प्यारे, ध्यान रखना। किसी की श्रद्धा कहीं पर है और आप उसकी बुराई करके उसकी श्रद्धा पर चोट कर रहे हो, ये महापाप है। इसलिए कृपया किसी भी देव पुरुष की कभी बुराई मत करो। अपने इष्ट देव के प्रति आपको मोहब्बत है, अच्छी बात है, आपको दूसरे किसी देव पर आपको श्रद्धा नहीं है, कोई बात नहीं, आप न प्रणाम करो, न सम्मान करो, न पूजा करो, न सेवा करो, कौन कहता है, लेकिन कम से कम दूसरे किसी देव की बुराई तो ना करो। कागभुसुंडी जी कहते हैं कि मेरे अंदर बहुत अवगुण था, मैं बहुत अभिमान में रहता था, अभिमान के कारण हर को तो मैं प्यार करता था लेकिन हरि की मैं निंदा करता था, भगवान शंकर को मैं सम्मान करता था लेकिन भगवान विष्णु को मैं कुछ नहीं समझता था। धन मद मत परम वाचाला,
अपने धन में मदमत्त था। ये सारे दुर्गुण, और ध्यान देना ये जो रुद्राष्टक जो हम लोग श्रवण करने बैठे, ये उसकी पूर्व भूमिका है। आप जरा ठीक से समझ लेंगे तो आपको समझने में आसान होगा। वैसे मैंने पिछली कथा में जब रुद्राष्टकम हमने गाया तो ये थोड़ी भूमिका मैंने लिया था समझाने के लिए संक्षेप में, इसलिए फिर से एक बार मैं स्मरण करा दूं। कहीं नए श्रोता भी साथ में जुड़ते हैं ना, आस्था चैनल पर भी कहीं नए श्रोता जुड़ते हैं, तो काकभुसुंडी जी ने अपना पूर्व चरित्र बताया है। इस माध्यम से बाबा तुलसी ने समाज को दर्शन कराया, एक शिष्य की बुराई और एक गुरु की अच्छाई। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापूजी के YouTube चैनल को, और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।